जी ना, अभी आगे फिर बोलेंगे सर पूरा जरूर समझाइए, पक्का बोलेगा वो। अब 50 कितना, 40 मिनट मान लो है ये, 8 मिनट मान लो, चलो हम लोग लेट होंगे 8-10 मिनट। अभी 40 मिनट की कैसे एक्टिवेशन होगी सर? खेल टमाटोल किए हुए हैं तो ये होगा, देन क्या करेंगे हम लोग? STDOT क्या कर लें, एग्जीक्यूट। फिर लेट हो रहा है अभी जो प्रैक्टिकल से हो रहा है, तो ये कौन दिया है बन गया। अच्छा अब इसमें डेटा इंसर्ट करने का तो फाइनली से करेंगे ना, क्यों फाइनली से करेंगे? हाँ तो संभाल जाएगा ना, तो क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट का कोड, ठीक है तो इंसर्ट का कोड उठा ले पूरा, कहाँ गया? अच्छा एक एक इंसर्ट का कोड मैं क्यों ना क्रिएट डेटा को कॉल कर लूं क्या? बोलिए हाँ, तो डेटा तो इंसर्ट करने का है, पहले रीड करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे ना। हाँ तो पहले वाले से रीड करेंगे तो कॉपी होगा, पहले वहां से उठाना पड़ेगा ना, पहले कॉपी फिर करेंगे। पहले रीड करना पड़ेगा फिर कॉपी होगा, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रीड। तो रीड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कौन डॉट रीड ऑल ही करना है अपने को। कॉपी क्वेरी लगाना है? नहीं नहीं हम आपको पूरा मैटर चेंज कर, उसे बहुत आसान हो जाएगा ना, डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, कॉपी नहीं करने का, कॉपी अपना अपना खुद का कॉपी बनाने का। हाँ हाँ एक एक उठा उठा के डालने का है ना। तो कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो जी जी पूरा एसक्यूएल जाम नहीं है सर। SQL इसका जो ना वही इधर ले लेता यार, बहुत बदतमीज इंसान है। अभी इसमें अगेन ट्राई कैच ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रीड करने का ना, तो रीड करने के लिए क्या करेंगे? STDOT रीड एग्जीक्यूट क्वेरी। अब यहाँ पे SQL क्वेरी पास कर देंगे। SQL क्वेरी क्या है? स्ट्रिंग SQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क डॉट क्रिएटर। यहाँ पे हमें रिजल्ट सेट मिल जाएगा। अब इस रिजल्ट सेट पे क्या करना है? एक एक करके डेटा इंसर्ट करने का, किसमें? दूसरे वाले टेबल में। दूसरे वाले टेबल का नाम क्रिकेटर कॉपी रख दें, नाम आ गया क्रिकेटर कॉपी, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट करना, तो इसमें इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले व्हाइल लूप लगा दें,
मेरा निकालना भी तो है। आरस वेट भी तो नहीं है ना। आज सौरभ और अमोली लोग नहीं आए क्या? आए तो हैं। नौ सारी वाले गेट किया जाके करके ठीक है। आरतिया से पहले क्या करते हैं हम लोग? हाँ गेट करके उधर सेट करना पड़ेगा इंसर्ट में ना। तो पहले इंसर्ट का यहाँ लिख लें इंसर्ट के लिए रिपेयर लिस्ट करेंगे। ये तो हमने सिंपल ले लिया ना, मतलब यहाँ पे कोई वो तो था नहीं इसलिए यूजर इनपुट। तो यहाँ इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं? कॉन डॉट SQL query एक पास करते हैं हम लोग। होगी वही इसमें इंसर्ट का ना, इंसर्ट इन टू हाँ यहाँ से सेलेक्ट किया सारा डाटा हमें मिला और हमें इंसर्ट करना है एक एक करके। तो इंसर्ट इन टू सेम ही बनेगा वहां पर भी। जेन वेन सब क्या था? जेन था तीन दिख रहा है, पीछे दिख रहा है जगह अपने को कम पड़ेगी इस बार। देखिए हाँ भी कितनी वैल्यू और अरे वो निकल जाएंगे। हाँ कल से याद आ रहा है ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट ले लें यहाँ पे, यहाँ पे SQL वन मिल गया ना। अब PS के थ्रू सेट करने का है ना, तो इधर से गेट करेंगे और इधर सेट करते जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले तो सेट इंट है ना, हाँ गेट इधर ही कर लेंगे इसी में। और RS डॉट गेट फर्म का नाम तो SQL क्वेरी एक जगह से डेटा निकाल और दूसरी जगह डेटा यहाँ हो गया। तो यहाँ से गेट होगा और इसमें सेट हो जाएगा। देन ps डॉट सेट स्ट्रिंग पैरामीटर इंडेक्स टू और यहाँ क्या हो जाएगा गेट स्ट्रिंग और कॉलम का हो जाएगा ps डॉट सेट इंट तीसरा rs डॉट गेट रन। चलो क्लियर है ना। देन ps डॉट सेट इंट था कौन सी चौथी वाली का थी? लास्ट वाली हो जाएगी ps डॉट सेट स्ट्रिंग पांचवी और देन rs डॉट गेट नाम क्या हो जाएगा। तो अपने ps में सब कुछ सेट हो गया। अब क्या करना है? एग्जीक्यूट अपडेट। तो क्या कर देंगे हम लोग ps डॉट एग्जीक्यूट लगता भाई काम होगा नहीं? होना तो चाहिए ना। तो मैं ऐसा करता हूं ठीक है।
और शिफ्ट एल आई कर ऑनलाइन में से कोई सौरभ फोन में आया सौरभ जी पवन जी तेजस स्वप्निल शुभम हाँ सर नो सर नो सर कहाँ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं कुछ समझ में नहीं आया ठीक है ना रोहित जी आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है स्टार्टिंग में स्वाभाविक बात है 8 घंटे की क्लास छुट्टी है तो होगा ही फिर हल्का फुल्का ये ना एस टी हाँ ये वाला इसका मतलब ये एसक्यूएल क्वेरी बना है ना अभी जावा में तो एसक्यूएल क्वेरी होती नहीं है तो जावा में एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ठीक है तो क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे तो स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का और इसका एक मेथड है क्या एग्जीक्यूट अपडेट जो कि आप एसक्यूएल क्वेरी को फायर करता है बस ये तीन ही लाइन का कॉन्सेप्ट है यही तीन लाइन का कॉन्सेप्ट अब देखिए क्रिएट वाले में क्या होता है कि क्रिएट वाले में हम लोग तब यूज करते हैं जब क्वेरी कंप्लीट होती है ये क्वेरी कंप्लीट है ना कभी क्वेरी में छूटा है लेकिन अगर ये वाली क्वेरी अगर आप देखेंगे देखो यहाँ पे अब भाई देखिए अब ये वाली जो क्वेरी है तो इनकम्प्लीट है ना यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें नहीं पता जीएन क्या है हमें नहीं पता क्योंकि वो तो हम यूजर से लेके डाले तो इस केस में हम क्या करेंगे कनेक्शन जो बनाएंगे ना कनेक्शन पे हम लोग कनेक्शन पे यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कौन डॉट प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कब यूज करेंगे जब हमारी क्वेरी इनकम्प्लीट हो तो इसमें एसक्यूएल क्वेरी वन पास किया देखिए तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मिल गया एक अब पीएस डॉट मान लीजिए पहला वाला जो आपका इंटीजर है दूसरा वाला स्ट्रिंग तो पीएस डॉट सेट इन वन वन मतलब पहला क्वेश्चन वन पे क्या किया हमने रिजल्ट से गेट करके स्टेप किया ऑनलाइन ऑप्शन नहीं डाल रहा है खाली आप एक लाइन में लिखते जाइए नहीं नहीं बस नाम लिख नंबर थोड़ी बोल फिर ये हो गया और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमने रिजल्ट सेट से गेट किया है मतलब अगर मान लीजिए डेटा को गेट करना होता है ना तो एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते देना है हाँ तो एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करोगे तो रिजल्ट सेट के फॉर्म में डेटा अभी एक एक करके हम इसमें से निकालते हैं आर एस डॉट नेक्स्ट कोई वाइल जैसे था ना कलेक्शन में हैज नेक्स्ट वैसे ही फिर गेट इन गेट स्ट्रिंग गेट टीम स्ट्रिंग में अवेयर कर रहे हैं तो गेट स्ट्रिंग फिर गेट इन गेट इन
बैरकर में कितनी लंबी लेंथ नाम डाल सकते हैं? बैरकर एक डेटा टाइप है जो इसमें होता है, माइस्ट्रो या ओरेकल वगैरह डेटाबेस का डेटा टाइप है। वही दिक्कत हो गई ना, वही उसका कौन सा खराब हो गया? स्कूल कह रहे आप बोल रहे पाइथन भी नहीं, पाइथन बहुत ज्यादा पाइथन मजा नहीं, पाइथन मजा नहीं जाओ कभी। लेकिन ये आज चालू है अभी क्या है कल नहीं तो एक बार जाओ इससे स्कूल पर कहीं जाओ फिर हम लोग बताओ क्या कर रहा है। हम कुछ ना कुछ रहता ही है। ऑनलाइन बैच सबको क्लियर है? जरा दो मिनट टाइम दीजिए, हम गणेश सर से ओरेकल मांग कुछ लोगों को चाहिए, जो ओरेकल भी इंस्टॉल करने के बाद लेकर पाँच मिनट लगे पूरे की लिखा ये सब वार्केल वार्केल
ये आपका उनको क्या बोलते हो ये कौन सा सर्वर चालू किया अपने बीच में जाम पड़ा था हाँ उसकी वजह से वो रह रहा है तो बंद कर दिया ना यहाँ पे हेलो 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 गणेश सर हाँ बोलिए ना हम बोल रहे थोड़ी बात करनी थी बोलो बोलो सर वो अपने मिट्टी को मतलब 25 तारीख को देना था पेपर हाँ ठीक है अब ग्रुप पे मैसेज करो दोनों का नाम कनेक्शन हुआ बताइए आंसर नहीं हुआ जो पोर्ट है ना पोर्ट टाइप होता है जब शाम को फोन होता है तो 15-21 को बाय डिफॉल्ट शाम से होता है उधर से बुला तो वहाँ से पैकेट नहीं मिलते इसको वो पैकेट पीछे रहते पासवर्ड ही बता रहा है एक्सेस डिनाइड एक्सेस नहीं हो पा रहा है बार बार ही ठीक है ऐसा
बर्थडे है शिवम आशीष, आशीष का नाम है?
वही काम चल रहा है भैया, क्या बताए भाई, आपके पास थोड़ी लखन राठौर विधान अचानक विधान भाई पूरा नंबर क्या है सर? विधान मामूल वर बस ना सूरज बिना देवेंद्र का है, देवेंद्र का तो नहीं है एक घंटा मिस किया सर, 4 बजे ज्वाइन किया तो एडवांस जावा खत्म। हाँ यार क्या बात, बहुत भाग भागे सर जी। राकेश वाग कहाँ? राकेश वाग भी नहीं है, नहीं है। चलो भाई अभी तो आया क्या भैया? चलो बने रहिए ऑनलाइन, आ रहे सब लोग यही है ना, 23 लोग थे, फिर कम कैसे हो गए यार? नाम देने आए थे, नाम देने आए थे क्या? अरे नाम मत दो भैया, छटैया हो रही है। हम वहां पे गए, हम बोले ऐसे मत, केदार का ध्यान आ गया, अरे केदार का नाम भूल गए, केदार लिखे हो गए तो हमने टाइटल नहीं याद है मैडम, सर टाइटल नहीं याद है तो हम बताते हैं टाइटल माने, ये तो क्रॉस करना है हमको, झूठे याद आ गया। केदार जी, केदार जी कॉलेज से लगना चाहेंगे, ठीक है, हाउ टू अपलोड इमेज, इमेज अपलोड करना तो मैंने आपको बताया था, हाँ फाइल है, लेकिन अभी देखिए इमेज कैसे अपलोड होती है रियल देखो भाई, धरती घूम रही थी ना, भैया धरती घूम रही थी, पृथ्वी एक जगह से उठाया दूसरे में रख दिया, धरती को उसी को तो अपलोड बोलेंगे ना, अपलोड मतलब क्या हुआ, अपने लोकल मशीन से उठाए और किसी दूसरे मशीन में पटक दिया। Thank you.
देखो भाई ध्यान से देखना, अगर हमने मान लीजिए किसी फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स डाल दी, क्या हमारा नॉर्मल फोल्डर है एसएसडी, और एसएसडी में हमने क्या किया बहुत सारी फाइल्स रखे हैं, ठीक है, ये बहुत सारी फाइल्स रखे हैं, ये अपना जावा हो गया, अब ये अपना इधर यहाँ पे बहुत सारी फाइल स्टोर हैं, क्या मैं इन फाइल्स को अपने मनचाहे तरीके से गेट कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने ये बोला कि मुझे वो वाली फाइल दीजिए, ठीक है, उसकी फोटो निकाल के दीजिए जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, क्या ये काम यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, यहाँ तो नहीं हो सकता, लॉजिक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं फोटो इधर स्टोर करूँ तो इधर मैंने एक टेबल बनाया, इधर हमने एक टेबल बना दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास, एन नंबर ऑफ कॉलम, एक कॉलम लिखता है इमेज या फाइल लिखते हैं, कोई भी फाइल होगी, इमेज होगी, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, और फाइल में यहाँ पे मेरी फाइल सारी अच्छा, मैं यहाँ पे यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मुझे वो वाली फाइल दे दो जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, बताइए यहाँ हो जा सकता है, ये मान लो सैलरी है और ये सीरियल नंबर, बताइए यहाँ हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर फोटो रखना इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है, डेटाबेस बल्कि होगा फालतू, तो हमें क्या करना है, हमें रखना इसमें है लेकिन फंक्शनैलिटी डेटाबेस की है, समझे ना, रखना इधर है लेकिन फंक्शनैलिटी, तो कैसे होगा, हाँ तो फाइल आ गया फिर एसक्यूएल क्वेरी तो लगेगी नहीं, फाइल आएगा के लिए नहीं इधर, ठीक है, अगर हम ऐसा कर लें कि मैं यहाँ पे फाइल का नेम स्टोर कर दूँ, फाइल नाम लिख देते हैं, नेम पूरा नहीं आएगा, ठीक है, समझ जाना, यहाँ फाइल का नाम डाल दिया और एक्चुअल फाइल इधर डाल दी, अब मुझे अगर उस बंदे की फोटो चाहिए, ठीक है, जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो यहाँ से मुझे एक फोटो मान लीजिए मिल जाएगी, तो ये वो बंदे की फोटो है, फोटो नहीं एक्चुअल फोटो का नाम है, तो फोटो का नाम हमें मिल जाएगा, तो फोटो के नाम से एक फोटो नहीं कट करनी है, समझ रहे ना, इस तरह से काम होगा, करके देखें ये काम करेंगे, तो अप्रोच क्या होता है, अप्रोच ऐसा होता है कुछ कि हम इधर डालते हैं एक्चुअल फाइल, एक्चुअल फाइल, हाँ इधर फाइल का नहीं है, ये अप्रोच हमें हमेशा फॉलो करते हैं, पवन जी बहुत दिन से बोल रहे सेम ही है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ केबल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे ना राइट क्लिक करेंगे इस टेबल से, यहाँ पे कनेक्शन का नाम रहता है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, पवन जी देख रहे हैं ना, हेलो पवन जी चले नहीं जाए, इसके लिए हम कर रहे वही ना चल गया, फायदा क्या होगा,
के अंदर मिलता सिर्फ माइक स्क्रीन है, तो माइक का इशू है थोड़ा ठीक हो रहा है। पवन जी टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के लिए हम नाम दे देते हैं इसका फाइल अपलोड ना, और यहाँ पर हम देंगे जर्सी नंबर, फैमिली की जाते हैं क्लिक कर दो प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। जर्सी नंबर इंडिजर हो जाएगा ना, नंबर हो जाए यहाँ पे। अच्छा ऐड कर देते हैं दो और वाले, तो यहाँ क्या कर दें मैं वो हटा देते हैं, हाँ नेम कर देते हैं और एक फाइल फाइल में, ठीक है। और दोनों को वेरिफाई कर देते हैं, साइज दे देते हैं उसका 20-200, ठीक है। बस ओके कर दिया, बन गया हमारा एन एन वाला, एन एन जो था वो नॉट नो, नल नहीं एक्सेप्ट करे, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। टेबल बना बना ही कौन जनाब बनाया था, फाइल अपना बना है तो क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ डेटा बजाओगे तो कुछ खाली है, ठीक है ना, वैसे ही थोड़ा कुछ अंतर है, जरा सा इंटरफेस बदला है, बाकी तो वही है, वही तो हम बोले भाई जो दिल करे वो यूज करिए, ठीक है। सबसे पहला एक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक टास्क में जो मैंने ऐड किया उसमें कनेक्शन फैक्ट्री ऐड नहीं किया, करना ही नहीं करना, बोलो जी सब बोलो, ये ना क्लिक कर दिया नहीं शायद किया क्या पक्का कहाँ दिया, अच्छा दिमाग काम कम कर रहा है। अरे मास्टर धोने में हालत खराब हो जाती है सारा, उसमें गुस्सा रहता अंदर पलटी मार मार के हाथ धोए ना, लग रहा धोएंगे गर्म पानी, अरे यार गर्म पानी कितना कूकर धोने में हालत खराब हो जाती है, कूकर से हमको डर लगता है, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा मजबूरी है, हमको भी लगता है कि चलो साथ ही साथ निभाए, ठीक है। तो पांचवा हो गया हमारा क्या, फाइल अपलोड, इस बार ओरेकल कोड आएंगे, हाँ हो जाता है वो रेफरेंस लाइब्रेरी नाम का यहाँ बनेगा उसके अंदर है, मैंने बताया था साथ ही अरे मेरे गुरु जी फाइल पे जाएंगे, ठीक है प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ क्लास पाथ ऐड लाइब्रेरी यूजर लाइब्रेरी इधर जाएंगे, यहाँ से न्यू बना लेंगे नाम, समस्या बताते जब समाता है तो, ठीक है ना। अब ऐसा भी जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक उससे पहले मैं SRC के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, नाम देते हैं माई फाइल्स, ठीक है, या वीडियो बना देते हैं माई वीडियो, जैसे वीडियो, ठीक है। वीडियो नाम पर मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है फोल्डर बनाया, फोल्डर ही बनाया हमने,
अब देन यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास नमन बना लेंगे काउंट डॉट ठीक है ना। अब कनेक्शन चाहिए ओरेकल से, उठा लें ओरेकल का पूरा, ये कहाँ गया, ये यही है ना, नहीं सर हमको तो चेंज करना पड़ेगा, इससे तो होगा नहीं। क्या क्या है भाई, अभी फोटो खींच रहे थे ना भैया, फोटो ये आपके लोकल सिस्टम पे चलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे सर्वर पे रखा हुआ है ना, क्या लगे लेक्षी, लेक्षी क्या था तो पहले ट्राई कैसे डाल दूंगा oracle.ins.com @ लगेगा कि नहीं लगेगा ये काम अगर हो गया तो सब हो गया। एक्सेप्शन आ रहा है मतलब SID गड़बड़ी है, XG है ना यार, देखो तो जरा वन ओ आर टी सी एल ई मैं बैच में ना, हमको याद नहीं है बैच में
चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी इसका बैकअप बना देंगे, क्योंकि सी ड्राइव के डेटा कभी उड़ जाता है, डेढ़ में रहता है। ठीक है, वो बात ही है, लास्ट में चार उसमें ऐड कर देंगे हम। एक काम करते हैं, फाइल डॉट mp4 है ना, ये इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसकी फाइल नहीं है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस फाइल नेम करते हैं ना, प्लस फाइल नेम, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस दोनों का फाइल एक ही नाम डाला, तुमने फाइल नहीं जोड़ दी, तो इसी फाइल नेम को भी डेटाबेस में इंसर्ट करने वाले हैं, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और क्या कर देंगे, पाथ टू और ऑल्ट शिफ्ट एल, हो गया ना। और देन अपोज डॉट राइट, और देन स्ट्रीम क्लोज करेंगे, एफ आई एस डॉट क्लोज अपोज। अच्छा एक मिनट देखिए, यहाँ पे हमारा कनेक्शन की कोड तो हालांकि सेपरेट होता है, लेकिन चलो ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो सारा ऑपरेशन किसका हो रहा है, फाइल आई डी, फाइल कैसे डाल डाला है क्या, कहाँ डाला, अच्छा डाला है क्या, हाँ नेस्टेड डाल दिया, ठीक है चलो। अगर कोई एक्सेप्शन जैसे ही आया तो मेरा कैच चलेगा, कैच चलेगा ना, कोई एक्सेप्शन आया तो। देन इसके बाद में क्या कर लूंगा, यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करना है, स्टोर इनसाइड, स्टोर नेम, नेम इनसाइड, पहले इतना रन करके देखें कौन सा, हाँ हाँ वीडियो पर बोल रहा था, फोटो उठेगी अपनी फोल्डर से लेके वीडियो वाले फोल्डर में, कहा यहाँ पे आके दिखना चाहिए, रन करने के बाद रन करते हैं, रिफ्रेश करें तो आया है ना, क्या दिक्कत है, आए कोई एक्सेप्शन प्रिंट कर दीजिए, कनेक्शन मिला और आता ही नहीं बार, क्लास पाथ पे आ रहा है ना, अच्छा फाइल नेम ही जोड़ा तो लगेगा है ना, देखें आए ना, ठीक है करप्ट फाइल भी मार दी अपनी, वही चेक करना है फाइल एबीसीडी डॉट mp4, अगर ये नहीं होगा तो उसका भी दुबार है, चेक करना, हाँ आ रहा ना, तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा हमने गलत जगह ही डाल दिया है, SRC के अंदर फोटो वोटो अपलोड नहीं होती, तो SRC फोल्डर जो है डेडिकेटेड किसके लिए बनाया गया है, जावा कोड के लिए ना, तो फोल्डर हमने गलत जगह बना दिया, इसलिए पैकेज के तरह डिक्लेरेशन का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे SRC के अंदर भी बनाएंगे, फाइल अपलोड पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, थीके? अब फोल्डर दिख रहा है ना, अपने डबल करके रखी थी, और इसको उठाया ये वाली पार्ट को वीडियो को
समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सारसी के अंदर का पास नहीं देंगे ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरा ये हम करेंगे आपके पास में कनेक्शन हुआ और कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, रिफ्रेश करेंगे हम लोग। इसमें रीड क्यों नहीं कर रहा है, रीड में क्यों नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं अपलोड हो रहा है ना, अपलोड हो रहा है ठीक है, वो समस्या दूर हो जाएगी आगे करके ठीक है। तो ये इस तरह से वीडियो आ रहा है अपना ना, यहाँ पे क्लिप उसको रन नहीं कर पा रहा है लेकिन अपना वीडियो तो आ रहा है ठीक है, करेक्ट आ रहा है, करेक्ट हुआ नहीं। अगर देखोगे यहाँ पे abc.mp4 का अगर प्रॉपर्टी में जाके इसकी लोकेशन ओपन करोगे ठीक है, तो वीडियो करप्टेड नहीं है ना। चलो अच्छा, वीडियो अपलोड हो गया। अब हम इसी जो फोटो का नाम है उसको कहाँ डालना है, डेटाबेस में। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कनेक्शन तो मिल चुका है, तो पॉन डॉट क्रिएट करें या प्रिपेड करें, क्या करें, क्योंकि कौन कौन सा नाम है अपना टेबल बनाया हमने, इधर बनाया ना जीएन नेम और फाइल नेम, तो ठीक है हम लोग यूजर से ले लेते हैं। चैनल क्या हो गया, जीएन हो गया, डायरेक्ट ले लेते हैं वहीं पे, तो कॉन डॉट रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डबल कोट्स में। डायरेक्ट फाइल अपलोड, क्या क्या था अपना जेएन ठीक है ना, ठीक है ये स्पेल पास कर दिया। अब क्या करेंगे, सेट करेंगे पीएस डॉट सेट, पहले वाला इंडिजर है ना, पहले वाले में हम लोग यहाँ पे इस कैरो से ले लेंगे, बाकी तो कहानी समझी है क्या करने का आज। तो दूसरा क्या, दूसरा तीसरा तो स्ट्रिंग में था ना, यहाँ पे हम यूजर तो नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या भेजेंगे फाइल नेम। अब यहाँ समस्या ये है ना कि हम पूरा पाथ उठा रहे हैं फाइल का, अब ये हम एडवांस बढ़ेंगे ना सर, तो वहां जब हम HTML से उठाएंगे ब्राउज करके, तो वहाँ एक मेथड होता है गेट सबमिटेड फाइल नाम का, जो आपको फाइल नेम दे देगा, तो वहां पे आपको मैनुअली फाइल का नाम लिखना नहीं पड़ेगा। HTML के फॉर्म से फॉर्म पड़ा ना, HTML फॉर्म में HTML फॉर्म से ब्राउज करके जो फोटो सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उसका नाम निकाल देगा, वो फंक्शनलिटी अभी अपने पास नहीं है, तो हमें मैनुअली नाम लिखना पड़ेगा, हालांकि मैनुअली नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो फाइल नेम कर दिया, देन तो जान ही लो क्या करेंगे, पीएस डॉट एग्जीक्यूट डेट चला के देखा जाए। अब यहां से डिलीट मार देते हैं पहले ना, एक
तो
करो ना क्या है बैठे बड़े देख लो अगर अच्छे अगर आपको अच्छा लग रहा दुकान में अच्छे दिन पैसा तो ये ना लाया हम भी बात हम भी भारी ऑनलाइन बैच मिलते हैं 10 मिनट में हेलो सर ओके 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 यहाँ 4 वीडियो ठीक है और चारों फाइल की नेम इधर हमने अपलोड मार दिया हाँ सर ठीक है अच्छा क्या हम वीडियो कंसोल चला सकते हैं क्या वीडियो कंसोल में नहीं चलती वीडियो के लिए ब्राउजर चाहिए ना वीडियो प्लेयर चाहिए ब्राउजर वगैरह में चलेगा समझ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग एक टेक्स्ट फाइल भी अपलोड मार दें बोलिए एक टेक्स्ट फाइल भी अपलोड मार दें क्या नाम एक लगे थे नाम क्या नाम है आई जे के ठीक इसके अंदर हमने रख दिया हो गया ठीक है अब इस आई जे के को भी हम क्या करेंगे अपलोड मारेंगे ना आई जी तो फाइल का नाम ब्राउज किया तो आई जी के डाउट क्या हो जाएगा नंबर 765 रिफ्रेश करेंगे 11 नाम आई जी के डॉट टेक IGK.dft और यहाँ पे IGK.dft ठीक है ना अच्छा तो देन मैं क्या करूँगा इसमें इस पूरे को मैं एक मेथड में डाल दूँ चलेगा डाल देते हैं ना पूरे को एक मेथड में डाल देते हैं Alt Shift M नाम क्या लगे इसको क्या कर रहे हैं मैंने यहाँ पे अपलोड कनेक्शन मिलने के बाद हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पे स्विच लगा दें इसका लॉजिक हमने कहीं लिखा था यार अभी इसके ऊपर इसके पहले वाला टास्क है ना वो काफी बेस्ट कर देते हैं ज्यादा है यहाँ ना ये वो 3-5 से देख के यहाँ ना इस चीज का लॉजिक भी काफी एक पे हम क्या कर देंगे अपलोड और दो पे क्या करेंगे रीड और रीड करने और यहाँ पे स्कैनर भी नहीं हमारे पास तो स्कैनर डालें फिर ऊपर ले लेते हैं न्यू ठीक है भाई आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि एडवांस जावा ना इसमें कॉन्सेप्ट कम है प्रैक्टिस ज्यादा है आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं तो बोझा इकट्ठा होता जाएगा धीरे धीरे ये वो करते करते इतना ज्यादा हो जाएगा लास्ट में तो फिर आपको बैकअप ला सकेंगे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी हम बताते रहते तब तक आपको समझ में आता रहता है लेकिन उसके बाद पीछे से भूलते भी रहते हैं वीडियो हमारे पास नहीं गुरु शुभम शुभम अभी शुभम को पकड़िए शुभम पहचान बनाओ बनाना भी नहीं है और वाइल लूप के अंदर नहीं है चलो छोड़ो वाई वाई ठीक है अब रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान सॉल्व करेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ रीड फाइल सेक्शन है वीडियो तो हम रीड नहीं कर सकते हमारी अभी मजबूरी है ना लेकिन टीएक्सटी तो कर सकते हैं अच्छा
हमें नहीं पता भाई किसका वीडियो है किसका क्या है, हम तो उस फाइल को रीड करेंगे जिसका 765 क्या है जर्सी नंबर, ठीक है। क्योंकि ये काम हम बिना अगर हमने सिर्फ इसी में अपलोड किया होता और इसका नाम उधर ना डाला होता तो वो काम नहीं कर पाते, समझ रहे ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, हम जर्सी नंबर को क्या करेंगे फेच करेंगे, हम पेपर जर्सी नंबर गेट जर्सी नंबर फ्रॉम पेपर जर्सी नंबर नहीं सॉरी जर्सी नंबर नहीं क्या बोलते फाइल नेम ना फाइल नेम फ्रॉम पेपर, कौन सा फाइल नेम जिसका जिसका जर्सी नंबर जो हम भी देंगे जो भी हम देंगे कौन सा देने वाले हैं, हम मान लो हमने दिया क्या 765 जिसका 765 जर्सी नंबर है उसका फाइल नेम हमें मिल जाएगा, वो फाइल नेम क्या मिलेगा ijk.txt। और फिर जब फाइल का नाम मिल गया तो अगर आपके पास फाइल नेम है तो क्या किसी फोल्डर से वो डेटा निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं ना। तो डेटाबेस का ऑपरेशन हम उधर कर रहे हैं और वहां से फाइल नेम निकाल ले रहे हैं और उस फाइल नेम को यहां से निकाल ले रहे हैं, तो इस तरह से हमें डेटाबेस की फंक्शनलिटी मिल गई, अपना काम भी हो गया, हमें स्टोर भी नहीं करना पड़ा डेटाबेस, हमारी स्पेस भी यूटिलाइज हो गई। तो ये काम करने के लिए सिंपल हम क्या करें, कनेक्शन ग्लोबल बनाया होगा शायद, नहीं बनाया गया और कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ बना देते हैं प्राइवेट या चलो हर बार एक ही अप्रोच किया जाए तो अलग मारते हैं कनेक्शन तो भेज देते हैं, ठीक है यही तो तरीका है देसी वाला अपना, कनेक्शन भेज दिया कौन क्या होगा इसकी क्या बनेगा भाई स्पेल क्वेरी बताइए, सेलेक्ट फाइल नेम फ्रॉम तथा फाइल वेयर आईडी इक्वल टू हो गया सॉरी जी एन ना हो गया ठीक है ना सिंपल। अब मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे कौन डॉट शिफ्ट कौन डॉट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्राई कैच सेट करेंगे पेज डॉट सेट प्रिंट ना पैरामीटर इंडेक्स वन और यहाँ पर क्या करूँगा स्कैनर से उठा लूँ स्कैनर इधर बनाया था क्या बनाया था ना स्कैनर ही भेज दें करेंगे भैया तो जो जर्सी नंबर डालेंगे वो वाला डेटा हमें मिलेगा, तो मैं डालूंगा ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी ये डेटा आ रहा है ना, अच्छा जर्सी नंबर आपका क्या है प्राइमरी की है, नहीं प्राइमरी की है ना, हाँ उधर की है प्राइमरी की है, तो मतलब प्राइमरी की के हिसाब से जब भी आप डेटा निकालोगे तो आपको एक ही डेटा मिलेगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँ मैं अभी आर एस नाम पसंद है आर एस नाम उन्हें आर एस डॉट पहले भी चलेंगे फर्स्ट रहता है ना पहले भी चले गए पहले रो पे अब यहीं पे हमें डेटा मिल जाएगा, मैं करूँगा आर एस डॉट गेट टूप करने की जरूरत नहीं है ना, सब थोड़ी मिल रहा है एक ही डेटा मिल रहा है ना, तो यहाँ पे गेट और हमने जेन ये आपको मिल गया क्या यहाँ पे प्रिंट जेन मिल गया, अरे जेन जो निकालते हैं हम फाइल नेम निकालना है ना आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग कर देंगे क्या था गौरव ने फाइल नेम में, तो यहाँ मुझे फाइल नेम मिल जाएगा किसका
जिसकी जर्सी नंबर जो हम डालेंगे, सपोज करो कि हमने क्या डाला 765, तो मुझे IJK.txt नाम मिला, नाम मिला, फाइल नहीं मिली, बस नाम मिला ना, तो गेट फाइल नेम, अब ये फाइल नेम अब मिल गया, तो क्या मैं इस फाइल नेम की मदद सीधा सीधा नहीं निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, सॉरी इनपुट या आउटपुट, इनपुट स्ट्रीम ना, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे एक पाथ दे रहा है, ठीक है, पाथ स्ट्रीम पाथ, इसका पाथ देखना कौन सा, ये वीडियो को देखना, तो नीचे कहीं हमने लिखा था ये ना, दिखा लो तुम पूरा यहाँ से देख के, और तुम ये कहाँ जाएगा बस, ठीक है, प्रॉपर्टीज के जाएंगे यहाँ से हम इस वीडियो का पाथ कॉपी कर लेंगे, पाथ कॉपी कहाँ पे इसको करेंगे, पाथ में लास्ट में क्या जोड़ देंगे, गेट फाइल है ना, जो फाइल निकली है, तो प्लस क्या कर देंगे, गेट हो गया, पाथ बन गया फाइल इनपुट स्ट्रीम से, FIS में आपको मिल गया डेटा, लगा दो अपना वाइल लूप, टेम बना ले हम एक, अब तो कहानी जान ही रहे हो, तो सब घूम फिर के आ ही जाता है, और जावा घूम फिर के आ ही जाता है, ठीक है, तो मैं कर लू टेम टू मेन FIS., तो रीड करते रहिए कब तक, हो गया ना, क्या करें, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अच्छा एक काम, एक और फाइल करना, एक और फाइल अपलोड मान दे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, चलो भाई एक और फाइल अपलोड मार दे, फाइल होना भी तो चाहिए अपलोड मारने, ठीक है, हाँ यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, इसमें हलू फलू नहीं लिखेंगे हम, टेस्ट करते हैं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, अभिता करो, अच्छे बोले हो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया PPP, इसको भी अपलोड मार दें, चलो रन मारते हैं, अच्छा इसको अपलोड मारने के लिए फाइल नहीं हम यहाँ से PPP लिख दें, कहाँ गया, रजनीकांत आ गए, हाँ PPP.txt भी आ रहा है, अच्छा अब रीड किया, रजनीकांत कितना भाई 6 5 7 इधर 7 6 बारे भाई पे आ देगी हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई रीड मारना ना, अब हमने जर्सी नंबर डाला 6 5 7 तो रजनीकांत वाला रीड होगा, देखिए 6 5 7 यहाँ पे सेलेक्ट फाइल नेम फ्रॉम फाइल अपलोड, फाइल अपलोड ही नाम है ना, फाइल उट में ई प्रिंट कर देते हैं,
डबल स्लैब लगाया लास्ट में, ठीक है ना, छह पाँच सात है ना, रजनीकांत जी का पूरा प्रिंटों के, तो जर्सी नंबर 657 डाले तो उसकी फाइल रीड हो जाएगी, और वही अगर हम जर्सी नंबर डालेंगे 765 तो सोहन का रीड होगा, हेलो है, 765 ये पॉसिबल नहीं था अगर हम MySQL की मदद ना करते, है ना, तो उधर से हमने जर्सी नंबर के हिसाब से फोटो का फाइल का नाम उठाया, इधर रीड करा, तो हमेशा यही होता है रियल टाइम में, जब भी आप फाइल फोटो अपलोड करोगे वीडियो अपलोड करोगे या बने बनाए टेम्पलेट भी डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ फोल्डर में सब देखोगे आप, कभी डाउनलोड करना फोल्डर में रहता है सारा, इमेज फोल्डर में, वीडियो फोल्डर में, जो रहता है फोल्डर में ही अपलोड किया जाता है, डेटाबेस में बस नाम जाएगा, क्लियर है ना भाई लोग, क्या क्या एम पी फोर वाला रीड अनगवर्न्ड होगा हमको लगता है, चलो ट्राई कर लेते हैं, हमने कभी कंसोल में वीडियो रीड ही नहीं किया, सही बात बोले तो ये वो तीन पांच करके आता ना तो उस तरह अच्छा रहेगा, क्या है भाई 99 ना, जरूर वही, ये बाइनरी नहीं है भाई, इसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, अब इसको प्रिंट मारने का है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, तो बंद करते हैं, वीडियो चलाने का है तो हम लोग HTML के थ्रू प्रिंट करते हैं, वो भी वीडियो, अभी फाइल का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, चलो इस तरह से हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, बोलो भाई किसी को कहीं डाउट वगैरह है तो पूछ लो, ऑनलाइन बैच, नो सर, देवेंद्र जी ठीक है, बाकी लोग स्वप्निल मोरे, पबजी प्लेयर, क्लियर है, यस सर, सुबह अपलोड मारे हो क्या, कर लेगा आज, सौरभ जी क्लियर, बाकी लखन केदार जी क्लियर है, क्लियर है सर, चलिए भूषण जी तो ले जाए, भूषण जी सर क्लियर है, यस, बाकी आशीष अनीशा आपको क्या बड़े हो गए, अभी एक करके थोड़ी पूछना चाहिए आपको, है ना, आया नहीं आया, नहीं आया चल से पूछो इधर, यहाँ नहीं आया, हमको क्या एक चीज पूछना पड़ता है सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन तो चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों से एक पिन करके भी पूछना पड़ता है, क्या करते बोलो ना यार, लो देखिए सतीश जी हम बता रहे हैं, मजाक मजाक में ऐसा ना हो जाए कि मजाक ही हो जाए पूरा जवाब, बस थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, मजाक तो कर नहीं है क्या, बोले क्या तुम नहीं करते, अब कह रहे मतलब तुम बड़ी बीज बहुत इनकंसिस्टेंट है, बहुत कम आए हो, सही बोलेंगे नहीं भाई बताओ, बाकी लोग बैठे हम नहीं बोलेंगे, ये लोग बोलेगा कम आए, मतलब चार पाँच दिन में पहले
पूरा किया उस थ्री क्लास तक दिल्ली के इसे लग रहा है कि एक दिन का टॉपिक था अरे भैया इस दिन बहुत बड़ा टॉपिक था वही ना टेस्ट वेस्ट करने में मतलब नहीं है कल दिन ऑनलाइन में कर दो ऑनलाइन भी फोन जाओ तो बोलते नहीं हाँ सुबह में यार चलो सुबह में ऑनलाइन आ जाओ आओगे ना ऑफलाइन नहीं भाई जगह ही ऑफलाइन में जगह ही नहीं भाई उनसे पूछे ना उठा आए थे कहाँ जगह दी अरे लैब वन पूरी भरी है लैब टू डोर तक बैठते हैं ज्यादातर लड़के ही 90% अगर दिक्कत हो ना तो ये होगा आपका आईडी पासवर्ड कहीं से गड़बड़ा रहा है अच्छा अब तक क्या करो ओरेकल से कर लो इतना कम क्या प्रैक्टिस तो नहीं रुकेगा एग्जाम से कर लिया जाएगा ओरेकल से कर लो चलो भैया आ जाओ एक नया कॉन्सेप्ट चलिए एक ही तो क्लास है ना और एक काम करते हैं इसके साथ ना इसके इंश्योर ना ये ना हाँ इसके इंश्योर वापस से हम लोग आ जाते हैं डेटाबेस कनेक्शन जेडीबीसी कनेक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो कौन सा था ड्राइवर मैनेजर पर ड्राइवर मैनेजर का जो तरीका है ना वो सही तरीका नहीं नहीं है वो इंटरनली आपको
क्लोज करते थे ना तो इंटरनली आ जाता, वैसे इंटरनली आ दिखता है, फोर्स नहीं करेगा आपको। तो देखिए ड्राइवर मैनेजर जो है वो ओल्ड अप्रोच है कनेक्शन का, तो आप यहीं से देख लो, आप यहीं से हो जाएगा पूरा कनेक्शन, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर ओल्ड अप्रोच हो गया, नया अप्रोच क्या है कनेक्शन, या मैं उसमें डेटा स्टोर, डेटा सोर्स क्या है हमारा, इस अप्रोच में क्या फायदा है मैं आपको बता, किसी फाइल अपलोड में ना कोई जा दो आगे पीछे जाने से मतलब नोट्स में होना चाहिए, ठीक है, जाने से मतलब। हाँ ये हो गया, अरे हम क्या बता रहे थे कहाँ चले रहे हैं, पेन दे रहा देखिए, अरे डिलीट नहीं हो रहे थे, सेलेक्ट किया डिलीट, देखिए जब आप ये यूज करते हो ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर डॉट ये लाइन ये कॉर्पोरेट में तो ड्राइवर मैनेजर यूजिंग होता है, क्यों, क्योंकि ये आपको क्या देगा, नहीं इट विल क्रिएट वन कनेक्शन, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कनेक्शन क्लोज भी कर सकते हैं explicitly, then we have to, हमने किया नहीं on dot zero, अच्छी प्रैक्टिस से close की, ठीक है, then we have to close the connection. इससे होता क्या है कि बड़े application में बार बार connection की जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है कि connection कब मिलता है, जब वो database को hit करेगा, database के पास जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा वो, अरे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सही होगी, उसके बेस पे आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको देगा, और जैसे ही आप कनेक्शन को क्लोज कर देते हो कनेक्शन दिखता है, ठीक है, तो इससे होता क्या एफिशिएंसी हमारी थोड़ी डाउन होती है, बार बार क्या है आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें बना बनाए ऑब्जेक्ट मिल जाए, समझे ना, बना बनाए ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो दूसरा जो तरीका है, जो लेटेस्ट तरीका यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन पूलिंग मैकेनिज्म, कनेक्शन पूलिंग मैकेनिज्म, पूलिंग ट्रिपल हो गया, पूल मतलब सोच रहे ना, स्विमिंग पूल वही वाला पूल है, इसमें लाइन ऐसे करी खींचना, पहले माउथ छोड़ने का फिर बटन छोड़ना। अब उसके बाद देखिए कनेक्शन पूलिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, आपके पास एक पूल ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा, मिलेगा पूल ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, आपको एक पूल मिलेगा, इसमें कितने कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेंगे, टोटल 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कुल कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिख दो, रेडीमेड, रेडीमेड कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो आपके पास कनेक्शन पहले से रेडी है, तो अगर आप बार बार कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या करेगा, ये बार बार कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हिट नहीं करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रेडी है वहां से ले लेगा। और जो सेकेंड अप्रोच मैंने यहाँ बताया था डेटा सोर्स में, उसमें क्या होता है इस कनेक्शन पूलिंग मैकेनिज्म से एक उठाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा सोर्स,
ड्राइवर मैनेजर वाला ईमेल है बेटा, ठीक है। तो डेटा सोर्स करता क्या है, ये एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट उठाएगा, इसने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट उठाया, चलो क्लोज नहीं करता है, क्या करता है, जब आपने कनेक्ट यूज कर लिया तो उठा उसको वापस से उसी पूल में रख देता है। पूलिंग मैकेनिज्म जो होता है मोर एफिशिएंट देन ड्राइवर मैनेजर, मोर ड्राइवर और जो फ्रेंच बोल भाई इतनी दिक्कत। अच्छा जेडीबीसी में जो कनेक्शन पूलिंग दिया गया है, जेडीबीसी में ये मैं जेडीबीसी कनेक्शन पूलिंग की बात कर रहा हूँ ना, बोलता है जेडीबीसी कनेक्शन, हाँ बोलिए, हाँ आ रहा है जेडीबीसी कनेक्शन। तो जेडीबीसी कनेक्शन पूल में कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं बने बनाए, ठीक है।
माइटर लेके ना ले ले।
क्या कहेंगे न्यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो थोड़ा एक बार क्या बोलते कनेक्शन पोलिंग का एक बार सिर्फ शॉर्ट में बता दो ना। हाँ देखिए क्या होता है कनेक्शन पोलिंग में, कनेक्शन जब हम ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करते हैं ना, तो हमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देन उसको क्लोज कर देते हैं। अगेन कनेक्शन करना होता है तो फिर से वो क्या करता है, डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके फिर से कनेक्शन करता है और फिर से क्लोज हम करते हैं। तो बार बार कनेक्शन करना, कनेक्शन क्लोज करना, इसमें एफिशिएंसी डाउन होता है। बेटर अप्रोच क्या है, डेटा सोर्स को यूज करो। डेटा सोर्स में आपको 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट रेडी मिल जाता है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट पिक करोगे, यूज करोगे एंड देन वापस ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जाके वहीं बैठ जाएगा, वो क्लोज नहीं होगा। ओके तो इससे फायदा ये होता है कि आप ये इस ड्राइवर में से ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इतना ही है। ओके सर। देन यहाँ पे क्या कहें, देखिए न्यू माई एसक्यूएल डेटा सोर्स, ठीक है डेटा सोर्स डॉट, यहाँ पे आपको सेट यूजर या सेट यूआरएल, यूआरएल सेट कर दिया हमने, देन ps dot set user, set user हो गया, and data source dot set password, एक बार ऐड करके देखें। चलो भाई jdbc colon mysql colon slash slash colon user id root, ये ठीक है ना, एंड देन क्या कर लेंगे हम लोग, सिस आउट करते हैं डीएस को ना, वो ना बताइए तो काम करें, इसको हम लोग बंद करते हैं पर ये देखते हैं जैम चाल चलता है इसके साथ आना जान लगा रहता है, मतलब धर्मशाला बना दिए हैं। देखो पवन जी का अभी आ रहे, पवन जी एक बार वापिस कहाँ गए थे, पवन जी कहाँ चले गए थे, हेलो और झपके कौन है, हाँ सर कहाँ चले गए थे सर, ये प्रोजेक्ट का चल रहा था कॉलेज पे, तो हम ओरेकल से बताएं, देखे या नहीं, नहीं सर अभी तो आया मैं। देखो यार यही कांड करते हो ना, तुम्हारे लिए हम पूरा ओरेकल गणेश सर को बुलाए करवाए, कनेक्शन करवाए, सब डेटा इधर स्टोर करवाए, फिर तुम कहीं। अरे सर क्या करे, कॉलेज का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना, अभी अभी हम क्या बोले, अभी तो आया सर, आपको तो बोले हम प्रोजेक्ट दो तो आप दे नहीं रहे, हो गया। अरे प्रोजेक्ट हम कहीं नहीं दिए, हमको हमसे तो बोले प्रोजेक्ट दो, आपको बोला था सर कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनवा के दिए हैं, आपको नहीं देंगे नहीं, हाँ है ना, लेकिन भाई उसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा, आपको रन करके दिखाने लायक, मतलब उतना आपको आना चाहिए ना, बोलेगा टाइम का इशू है यार, थोड़ा सा रुको एक सर, दे सकते हो क्या, वही हम बोले तो थे, वही वाला है अपना क्या नाम है, पोर्टफोलियो वाला, वो नहीं है सर, वो नहीं चलेगा, देखो भाई वो तो गया, मैं रिकॉर्ड किया होगा है ना, किससे कैसे, ड्राइवर मैनेजर होगा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसको हटा के आप चाहते फिर उस ओरेकल ओरेकल करके करने यूज करेंगे, ठीक है, देखो हर जो क्लास होती है ना उसका अपना इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ओरेकल ऑलरेडी चेंज शो करवा के रखा है, तो आया
ठीक है, इसमें हमारा बस नहीं। और सर इसका यूआरएल क्या था यार? यूआरएल क्या था इसका? 5-3-5 वाला था, ठीक है ना? अरे ना एक ही से दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, इधर उधर से भी हो गया, आजकल भी हो गया और एकल भी हो गया। हाँ दोनों से इंटर कर सकते हो आप, इधर से निकालो उधर डालो सब हो जाएगा। अलग अलग कोड का ना, आप चाहो तो दो माइनस कल भी कर सकते हो, जैम वाले से भी कर लो, कोड अलग अलग हो जाएगा और वर्क बेंच वाले से भी कर लो, ठीक है? मोहन सोहन गया तो बेटा एक बार में तीनों भर दीजिए। कनेक्टिविटी हम क्या करेंगे, हम लोग जुगाड़ बहुत बढ़िया लगाएंगे, हम क्या करेंगे स्लैश लगा के यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्रिकेट मान लगेंगे, ठीक है? अब ये डेटाबेस तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें क्रिकेट तक कनेक्टिविटी करेंगे और इसमें यहाँ तक, तो अब डॉट लगा के लिखना नहीं पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं? अब इसमें हमें डॉट लगा के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस तक कनेक्टिविटी है, तो टेबल का नाम खाली लिखेंगे तो चलिए। अभी क्रिकेट विकेट है कि नहीं नहीं मालूम, हम सुन के आते हैं क्या है। तो पहला तो मेरे को मेरे के बनी जाएगा ना, फील्ड नंबर आता है।
कल यहाँ से सब लोग लाल
उसका लाल नहीं है, रोहित कुमार दास का नहीं है, यश नागर का नहीं है, राकेश वाघ नहीं है, सदभा काटकर स्वप्निल मोरे, सुप्रिया इनका लाल नहीं अभी हो जान दो, हो जान दो अच्छा आपने एक बात ध्यान दिया इसमें कि हमने हमें इसमें ड्राइवर लोड नहीं करना पड़ा, ड्राइवर लोड करना नहीं पड़ा हमें, ठीक है, हाँ ऑटोमेटिक यही करना ही आपको इन डेटा सोर्स इन डेटा सोर्स है भैया बाइक में बाइक का मैं आप भी आपको तो मेरे वाला पड़ा है वो बोलेगा इन डेटा सोर्स वी नॉट नॉट टू लोड ये ना सबको ये हो गया कनेक्शन कूलिंग मैकेनिज्म सब लोग हैं यहीं पे आगे बढ़ा जाए अच्छा सपोज कीजिए कि आपसे बोला जाए देख लो भाई सब लोग इधर इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक हाँ हाँ ऑटोमेटिक मैंने लिख दिया नोट्स में देखिए ये आपका डेटाबेस है अब कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत बार ऐसा होता है ना कि डेटाबेस का एक्सेस आपको रहेगा नहीं अभी तो हो रहा है ना कि डेटाबेस खोल के फटाफट देख ले रहे हैं है ना कॉर्पोरेट में डेटाबेस थोड़ी खोल के देखने लगा डेटाबेस का एक्सेस सिर्फ एक ही बंदे को होता है कौन होता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वही खोल डीबीए से सेटिंग कर लो आराम से मस्त डेटा वोटा चोरी हो जाएगा किसी ने मान लिया आगे की बात आपको डीबीए से दोस्ती कर लो चाय पानी पिला लो हालांकि डीबीए डीबीए के अंदर क्या बोले मतलब जो का यस कर दिया तो पुलिस हाल की बिजी माफ हो गई उनको पता भी नहीं चला गलती से आ गया था दो सेकंड से पांच फीट के लिए दो मिनट के लिए आ गया ये हो गया मैं आज पॉलिटिक्स हर कंपनी में नहीं होता है लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी में रहता है टीसीएस में रहता है पॉलिटिक्स अच्छा आपको मान लीजिए सिर्फ इतना पता है कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें डेटा इंसर्ट करना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने कॉलम्स हैं उन कॉलम का टाइप क्या कुछ नहीं पता खाली इतना पता कि एम्प्लॉय नाम का वो टेबल है जिसमें डेटा इंसर्ट करना है ठीक है तो टेबल के अंदर क्या होता है अब इस टेबल के अंदर आपके पास डेटा होगा ठीक है यहाँ पे आपके पास क्या है डेटा
के नीचे के डेटा हो गया। एक होता है डेटा अबाउट डेटा, उसको क्या बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा ना। तो मेटा डेटा क्या हो जाएगा इसका बताइए, एक टेबल का एक होता है बस डेटा अबाउट डेटा का भी डेटा ना, तो दिस कॉल्ड मेटा डेटा। मेटा का एम ई होता है कि एम ई होता है, एम ई आता डेटा नहीं है, डेटा से जाता है। ठीक है एक टेबल का मेटाडेटा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि जो पहला वाला कॉलम है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, दूसरा वाला कॉलम क्या है आपका वेयर शेयर है, क्या बोल सकते हैं कि क्या है डेटा अबाउट डेटा, इन्हीं को मेटाडेटा बोलते हैं। डेटा हमारा किसने स्टोर होने वाला, कॉलम से स्टोर होने वाला है, लेकिन हर कॉलम का एक कुछ नियम है, किसी कॉलम में सिर्फ इंटीजर जाएगा, किसी में वैक्यूल जाएगा, किसी में से यूनिक वैल्यू जाएगी है ना, किसी में खाली डेट ही जा रही है। तो हर कॉलम का अपना अपना कुछ क्या है यूनिक रिस्ट्रिक्शन है, और उस यूनिक रिस्ट्रिक्शन को देने के लिए हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं मेटा डेटा। तो हम अब मेटा डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे कि मेटा डेटा कैसे गेट किया जाता है। आते हम लोग इधर क्लिप्स में, और इसको मैंने ऐड किया है ना, इसको भी ऐड करते हैं। ओरेकल से कनेक्टिविटी कर लें, ओरेकल से कनेक्टिविटी के लिए पूलिंग का यूज कर लेते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी, आई लगा दें कहीं कहीं दूसरा तो कॉल टू कर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे देखिए, पीएस वन डॉट मेटा डेटा के देखो कहीं है लिखा हुआ गेट, इसमें भी लगाया डीएस वन कंट्रोल स्पेस करो ना, मेटर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या गेट डेटा स्टोर MySQL
कॉलम का टाइप क्या है, तो मैं बोलूंगा कि कौन से डीएन देने यहाँ पे डीएन वन इंडिया कॉलम कॉलम काउंट कॉलम नेम पहला वाला वन आ गया टू आ गया और इस तरह से हमें सिर्फ क्या मालूम है, हमें सिर्फ टेबल का नाम मालूम है, हम सारा निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हर कॉलम का नाम क्या है और हर कॉलम का टाइप क्या है, सब निकालेंगे। सबसे पहले मालूम पड़ा कि कितने कॉलम काउंट है, तीन मालूम पड़ा तो एक दो तीन कर देंगे, चार रह गए एक दो तीन चार कर देंगे और ये ना निकल गया सब। कॉलम कॉलम टाइप नेम दिया होता है ना, कॉलम ये और इस तरह का वैल्यू लिख लिया ना, देख लेते हैं मेथड जो है वन करते हैं नंबर अच्छा रो के बारे में डिटेल नहीं मिलेगी गुरु, रो में तो डेटा होता है आपका है ना, डेटा अबाउट डेटा, तो डेटा का डेटा क्या है, वही जो कॉलम का नाम है काउंट है कंस्टेंट, हाँ डेटा तो नॉर्मली निकल जाएगा तो क्या नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज करना है तो काउंट लगा दो यार SQL का काउंट लगा हिंदी में लाइक हो रहा है हमको भी समझ में मजा नहीं आ रहा है हिंदी में लाइक हमें भी लाइक अच्छा हमको लोग मार पिटैया होने वाली है। ये तीन हो गया, तीन नाम हो गया और तीनों का टाइप हो गया, तो ये देख के आप बता सकते हो ना कि आपको किस तरह का डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप डीबीए के पास नहीं गए पूछने की भाई हमको बताओ कि पहले कॉलम का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है, तीनों में क्या क्या वैल्यू हमको भरने का, कुछ नहीं पता आपने डायरेक्ट किया। इसी तरह आप एक एक करके मेथड टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। यहाँ पे एम पी डॉट गेट करो बहुत सा मिलेगा, देखे ना सारा है ना, टेबल नेम, टेबल नेम कहाँ है ना, तो कॉलम क्या डाले वन डाल दीजिए कौन कौन क्या आया एम टी डॉट के टेबल चलो कि लेकिन जी तो वो लेगा लेगा तब ना स्ट्रिंग वाला नहीं लेगा टेबल नेम कुछ तो कुछ वैल्यू लेके देगा जल्दी अच्छा खासा चल रहा था, तुम खराब करवा कैसे बंद हो गया यार, हाँ जो साइजें रहती है हम लोग की
नंबर कितने हो गए ना वो ठीक है ना। तो इस तरह से आप डेटा का डेटा निकाल सकते हो, क्लियर है सबको। अब अगर मान लीजिए मैं आपको अगर एक टास्क दूं उधर घर से करके आना, ये टाइम तो ज्यादा है नहीं 20 मिनट, वो घर के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, चल बढ़िया बनाना मजा आएगा। हाँ पढ़ाएंगे ना गुरु, हाँ बहुत बहुत तो चलो टास्क यहीं कर लो फिर। हाँ अरे यार झगड़ो यार, 7 बजे के बाद आराम से इस तरह से आप देखो MySQL भी कर सकते हैं हम और डेटा दोनों से कर सकते हैं ना, MySQL तो हो जाएगा ना। चलो इसे कर दें, अरे कुछ नहीं गुरु उसको, हाँ इसे करो और जहाँ TS1 है वहाँ TS ठीक है। अरे सब यहाँ गया है और इनफो, अब बस एक ये लिखना पड़ेगा ना सही टेबल का नाम, कोई टेबल का नाम बताइए। एडवांस जावा नवंबर ठीक है ना, और TID 4 था, एक 3 ही आया, 3 4 था हमने 3 लिया तो 3 लिया है, 4 देंगे 4 देंगे। अरे तो गुरु तो 5 तुमने प्रिंट कहाँ करा है, 3 प्रिंट करा है ना, हाँ आप चाहो तो 4-5 करा सकते हो रहा है बोलिंग थोड़े गलत डेटा सोर्स का यूज किया है, जहाँ डेटा सोर्स आएगा वहाँ कनेक्शन बोलिंग आएगी। सीएम देखो सही है ना, अभी दोनों से ओरेकल से भी MySQL से भी सॉरी कौन, हाँ कौन जी जाने से पहले रुको यार, थोड़ा पुरानी अटेंडेंस हम लोग की बाकी रह गई है, उसको उसको दे दो अक्टूबर ना 7 से 9 अक्टूबर, हाँ ये वही कब अपनी हो जाओगी फ्राइडे को, फ्राइडे को चला था थर्सडे को तो 10 तारीख है ना, थर्सडे कब था भाई इतना 17 को ना, तो चलो हाँ मांग की रहती भैया वो कंप्लीट करते हैं हम 17 तक। अमूल अमूल आया था बीच में, अमूल था ही ना आया था ना, था तुम कहाँ आए थे, तुम बोल रहे हो आया था, आया था भाई बोलो अमूल प्रेजेंट था और भाई तो पूरा दिन देव जी नाम तो याद है प्रणव नहीं बता कौन है चलो ठीक है हम लगा देते हैं, सत्यजीत जी डेली आए हैं, सौरभ भी डेली आया है, देवेंद्र नहीं आया, देवेंद्र का लगा ही कहाँ कहाँ देवेंद्र आया, अच्छा देवेंद्र एक दिन नहीं आया क्या, स्मिता स्मिता आई थी, चलो अब तेजस बिरारी हाँ ये तो डेली आए, सुबह शाम दोनों में आ रहे हैं मंडे सर, सीखने में कितने गए कदम कुछ नहीं उनका कोई मतलब नहीं लेने का, कुछ हार भी तो आए कि ना अब भाई आप लोग बता दिए अपने अपने आप लोग ग्रुप वाला
हाँ अभी कर रहे हैं। आप लोग का कहाँ तक का छूटा है? 11 तारीख ना, 13 को संडे था। आप लोग जहां जाके लड़ सकते हैं, ये वाली बैच, सुबह वाली बैच। गुरु जी, अरे आपका नंबर नहीं लेके हम सर सुबह की बैच का टाइमिंग क्या है? 7 से 11 सर सुबह कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ एक ही चल रही है। केदार दो दिन आया ही था, हो दिया है। अमित कदम कौन है भाई? आए दो दिन, 16-17 का ना एडवांस का नहीं लग रहा ना। शुभम जादव मानो तो टेस्टिंग का था। महेश आए थे तुम दिन लास्ट में, पूजा बढ़िया, पूजा पांडे, अनिकेत मेरे तो डेली वाले हैं, सूरज भी आता ना डेली, और ये बाकी लोग रोहित दास को खत्म है। ठीक है, इनका लेफ्ट सर मैं प्रेजेंट हूँ क्या ना। संदीप अभी लगाया कहाँ संदीप का? अभी ये दस है यहाँ। सूरज, सूरज सर ऐश्वर्य राव मालूम है सर जी, सत्यम मालूम नहीं है। पवन जी भी आए थे, और आकाश कौन है? आकाश लगन भूषण प्रेजेंट है सर, वो तीनों भी आए। नहीं यार छोटा पास ले लो यार, टास्क ले लो। विनायक राकेश प्रेजेंट सर, होल्ड। सागर, सागर कौन? अंजी।